सहारा बने बेसहारों का। अल्लाह की रजा के लिए इस रमजान जकात और फितरा देने के लिए जुड़े एसएम इमदाद ट्रस्ट के साथ। आप रमजान किट तकसीम करते मुसलमानों में, अब रमजान किट में क्या रहता? सस्ता कुर्ता पैजामे का कपड़ा और सस्ता साड़ी का कपड़ा, और आपकी जो इफ्तार पार्टी का खर्चा है वो बताता चलो। ये आरटीआई की रिपोर्ट है, केसीआर की दौरे हुकूमत में कुल मिला के दावत इफ्तार में और रमजान किट में सिर्फ 176 करोड़ रुपीस खर्च किए गए, जिसमें से भी 100 करोड़ रुपए दावत इफ्तार में केसीआर साहब ने खर्च कर दिया। और जो ये पैसे खर्च कर रहे हैं दावत इफ्तार के नाम पर, ये पैसा सीएम का फंड का पैसा नहीं है, ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का पैसा है। तो मैं फिर गुजारिश करता हूं तेलंगाना की आवाम से कि बॉयकॉट इफ्तार पार्टी ऑफ केसीआर, बॉयकॉट इफ्तार पार्टी ऑफ केसीआर, बॉयकॉट इफ्तार पार्टी ऑफ केसीआर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तेलंगाना की आवाम से खुसूसी गुजारिश करता हूं कि इस माहे रमजान में जो केसीआर साहब दावत इफ्तार 12 अप्रैल के दिन जो ऐलान करे, वो इफ्तार पार्टी को आप बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि अकलियतों को लेकर केसीआर साहब ने कई वादे किए पर उनका हर वादा झूठा, खोखला और बेबुनियाद निकला। आपको बताता चलूं कि केसीआर के दौरे हुकूमत में, ये आरटीआई की रिपोर्ट है, कुल मिला के 2015 से लेकर अब तक माइनॉरिटी जो बजट एलोकेट हुआ वो 13,000 करोड़ है खरीद, मगर सिर्फ खर्च हुआ 7,000 करोड़। और केसीआर साहब आपने क्या वादा किया? आपने वादा किया कि मुसलमानों को 12% तहफुजात मिलेगा, मिला क्या? वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले आप, हमको वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर मिला क्या? हमको नौकरी मिली क्या? हमको डबल बेडरूम फ्लैट मिला क्या? क्या एक भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो एक भी वेलफेयर स्कीम है वो आप वेलफेयर स्कीम मुकम्मल तरीके से पूरा करे नहीं करे? प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप किसी को मिली? किसी को नहीं मिली। 2015 से लेके आज तक लोन कोई सैंक्शन नहीं हुआ, हाल हाल में आपके जानिब से 120 करोड़ का ऐलान करे और 50 करोड़ का सैंक्शन करे, मगर आज भी किसी को भी वो लोन नहीं मिला। केसीआर साहब आपका हर वादा झूठा निकला। और आप जब दावत इफ्तार की बात आ जाती तो आप क्या करते? आप रमजान किट तकसीम करते मुसलमानों में, अब रमजान किट में क्या रहता? सस्ता कुर्ता पैजामे का कपड़ा और सस्ता साड़ी का कपड़ा, और आपकी जो इफ्तार पार्टी का खर्चा है वो बताता चलो। ये आरटीआई की रिपोर्ट है, केसीआर की दौरे हुकूमत में कुल मिला के दावत इफ्तार में और रमजान किट में सिर्फ 176 करोड़ रुपीस खर्च किए गए, जिसमें से भी 100 करोड़ रुपए दावत इफ्तार में केसीआर साहब ने खर्च कर दिया। और जो ये पैसे खर्च कर रहे हैं दावत इफ्तार के नाम पर, ये पैसा सीएम का फंड का पैसा नहीं है, ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का पैसा है। अब जो 12 तारीख के दिन दावत इफ्तार का जो ऐलान करे उसमें भी 25 करोड़ रुपए खर्च करने वाले केसीआर साहब। केसीआर साहब आप मुसलमानों को क्या गुमराह करना चाह रहे? खजूर खिला के और अपने साथियों को बुला के, अपने दोस्तों को बुला के, अरे हमारे को भीख नहीं चाहिए, हमको आपका खजूर नहीं चाहिए, आपका सस्ता पैजामे का कुर्ते का कपड़ा नहीं चाहिए, सस्ता साड़ी का कपड़ा नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए। केसीआर साहब अगर से आप उतना ही मुसलमानों के रहबर बनना चाह रहे, उतना ही मुसलमानों से आप हमदर्दी जताना चाह रहे, तो जिस तरीके से दलित बंधु स्कीम का आपने ऐलान किया और 4,500 करोड़ आप दलित बंधु पे खर्च कर डाले, बेहतरीन बात है खर्च करो, उसी तरीके से आप मुस्लिम बंधु स्कीम का भी ऐलान करो। और आप 2021 में आपने वादा किया कि जिस तरीके से मैं दलित बंधु स्कीम का ऐलान करा उसी तरीके से मुसलमानों के लिए भी मैं स्कीम का ऐलान करूंगा, क्या है आपका वादा? कहां है आपके अल्फाज? और हमारा मुतालिबा है कि इस मुबारक महीने में आप मुस्लिम बंधु का ऐलान करो, हर मुसलमान घर को 10 लाख रुपए दो केसीआर, तो हम जब समझेंगे कि हमारा सीएम सिक्योर सीएम है, वरना आपके जानिब से मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो खामोश कैसा बैठना? अरे हमें नहीं चाहिए सा खजूर, नहीं चाहिए आलिशान तरीके से दावत इफ्तार, आप क्या समझ रहे हैं? हमारे 25 करोड़, हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के 25 करोड़ खर्च करके आपकी वाहवा चाह रहे आप? नहीं चाहिए हमें इफ्तार पार्टी, नहीं चाहिए खजूर, नहीं चाहिए आपका रमजान किट, हमें मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान दो करो, और ऐलान करके हमारे 10 लाख रुपए दो केसीआर साहब,
तो मैं फिर गुजारिश करता हूं तेलंगाना की आवाम से कि बॉयकॉट इफ्तार पार्टी ऑफ केसीआर, बॉयकॉट इफ्तार पार्टी ऑफ केसीआर, बॉयकॉट इफ्तार पार्टी ऑफ केसीआर। जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फखरे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सहारा बने बेसहारों का। अल्लाह की रजा के लिए इस रमजान जकात और फितरा देने के लिए जुड़े SM इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो कई सालों से शहर हैदराबाद की गरीब गुरबा आवाम की मदद करता आ रहा है। सहारा बने शहर की गरीब गुरबा आवाम का SM इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो हजारों लोगों का कई सालों से पेट भरता आ रहा है। सवाबी जारिया के लिए ऑनलाइन पेमेंट या फिर बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर SM इमदाद ट्रस्ट के साथ जुड़े और गरीब गुरबा आवाम का सहारा बने।